तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि दूध में मुनक्का डालकर खाने से क्या होता है, जानिए इसके बेशकीमती 5 लाभ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दूध और मुनक्का दोनों ही ऐसे आहार हैं जो पोषक तत्वों से पूर्ण होते हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी अच्छी मात्रा में होती है, तो वहीं मुनक्का में फाइबर, कॉर्स, आयरन, पोटेशियम इत्यादि होते हैं। आइए जानते हैं दूध में मुनक्का डालकर खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। नंबर एक, यदि हम प्रतिदिन दूध में मुनक्का डालकर खाते हैं तो इससे तनाव, मानसिक दबाव जैसी समस्याओं का निदान होता है। इसे खाने से दिमाग की कार्यशैली भी सुधरती है और याददाश्त भी तेज़ होती है। नंबर दो, रात में सोने के पहले यदि हम दूध में मुनक्का डालकर खाते हैं इससे नींद के संबंधित समस्याएं विस्तार होता है। नंबर तीन, मुनक्का में भरपूर आयरन होता है, जिन्हें एनीमिया भी समस्या होती है उन्हें प्रतिदिन सुबह दूध और मुनक्का का सेवन करना चाहिए, इससे खून की कमी भी नहीं होती। नंबर चार, मुनक्का में पोटेशियम की अधिक मात्रा में रहता है, पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। दूध और मुनक्का के इस आहार से हृदयघात की संभावना कम होती है। नंबर पाँच, दूध में मुनक्का डालकर खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है। दूध में कैल्शियम होता है और मुनक्का में बोरॉन नामक एक रसायन होता है जो हड्डियों के लिए सेहत के लिए देखभाल करता है। गाठिया के रोगियों के लिए यह मिश्रण विशेष रूप से दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और हमारा चैनल कैसा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सेहत से रिलेटेड आपके लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।